ये रॉकी का ब्रेसलेट यहाँ कैसे आ गया? इसका नहीं है ये कलाईबंद। रॉकी से एक चीज नहीं संभाली जाती है, यहाँ कैसे आया ये? ये ब्रेसलेट मेरी है या नहीं यही चेक कर रहे थे ना पापा आप? पर क्यों? जो मैं सोच रहा हूं क्या वही सही है? मेरे मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं सब गलत हों, प्लीज प्लीज भगवान जी गलत प्रूफ कर दो मुझे, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। कैसा इशारा दिया आपने भोलेनाथ? मतलब आज तक जो कुछ भी हुआ वो सब झूठ था। आपकी इतनी ठंडी क्यों है पापा? वो बाहर बहुत ठंड थी तो शायद। पापा वीर को मारने वाले थे? तुम इस पहेली को सुलझाना, और मुझे पता है तुम ये कर लोगे, पर ध्यान रहे एक गलती इसे खुद ब खुद नष्ट कर देगी। पहेली, ये कितने टाइम से उस पहेली को खुलवाना चाहते थे मुझसे। इसका मतलब है कि उसी पहेली में शायद उनका राज छुपा है। उसे खोलने से क्या सच का पता चल जाएगा कि ये मेरे पापा नहीं बल्कि एक एलियन है? आई नीड टू बी स्ट्रॉन्ग।
strong. I need to be focused. यार हीरो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं फंसा हो? बंधु तुम्हें पता है हम असुरों की इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि आने वाली दुर्घटना का पहले से ही आभास हो जाता है। तुम्हारी दुविधा देखकर लगता है कि तुम पर भी संगत का असर हो रहा है। क्या कहते हो तुम? दो सिक्स सेंस का तो पता नहीं, लेकिन मेरा ब्रो सेंस ये कह रहा है ये हीरो ना फिर जरूर कोई पंगे में फंसा है। हीरो मुझे लैब में रहने को क्यों कह रहा है? आप पुलिस स्टेशन में आई लेकिन पिछवाड़े बाथरूम तक कैसे चली गई? पुलिस स्टेशन तो यहीं पे खत्म हो जाता है। आप सब लोग इतने बिजी थे काम में मुझे पता ही नहीं चला जाना कहाँ है। नहीं नहीं। ए, क्या चल रहा है ये? सेल्फी खींच रहे हो? इडियट्स। हाँ तांबे तू भी। चार चीज वड़ा पाव दो स्पेशल कटिंग जल्दी बोल दे मैडम के लिए। चार चीज वड़ा पाव दो स्पेशल कटिंग फटाफट। नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। अरे नहीं मैडम आप पहली बार हमारे पुलिस स्टेशन में आई हो तो आपको ऐसे कैसे जाने दे। अब बैठिए ना बैठिए ना। तांबे बैठिए ना सर। पंतु अंदर भी नहीं है पर यहाँ आते हुए तो देखा था मैंने। कहाँ गायब हो गया? वैसे कुछ काम था आपको? आप पुलिस स्टेशन आई हो हमारे पास? काम? हाँ हाँ बताती हूँ ना क्या काम था। बताती है जारा बेबी। तुमने ना मेरी ये बिजली वाली पावर देखी नहीं है अभी। लट्टू हो जाओगी फिर अपना दिल लेके मेरे पीछे पीछे घूमोगी। मैं भाव खाता खाता ना आगे भागूंगा। नकली फूफा जी देखा आपने कैसे बिजलियां फेंकता हूं मैं बहुत तेज। मैंने ना गूगल भी किया था। मैं हूं कलयुग का इंद्रदेव। नहीं तुम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? ताकत संभाली नहीं जाती तुम लोगों से। परिचय आ गया तो खुद दंश दंडित करेगा तुझे।
कोई ऐसा वैसा दंड नहीं, तेरी बिजली से चलाऊंगा तुझे। तो हर बात पे वायलेंस की क्या जरूरत होती है? मुझे लगा मैं एक टीम में है, इसको हटा दो प्लीज। जिंदगी बख्शी है मैंने तुझे, मेरे खिलाफ जाने की सोचना भी मत, मेरे अधीन है तू। अब जब तक मैं ना कहूं तू अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, वरना इसको हटा दो। मेरी बात मानेगा तो इनाम मिलेगा। अब जब कभी कहूं तो तैयार रहना। वो मैं आप लोग इतनी मेहनत जो करते हैं पब्लिक की सेफ्टी के लिए, दिन रात मेहनत करते हो, तो मैं आपको थैंक यू बोलना आई थी। मतलब आप आपके बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमें सिर्फ थैंक यू बोलने आई हो? क्यों नहीं, मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं पब्लिक की सेवा के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, तो इसलिए थैंक यू। साहिब, क्या है तांबे? एक रिक्वेस्ट है, इधर आइए ना जरा, छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज। क्यों? आता। क्या है तांबे? मुझे किसी भी तरह पुलिस स्टेशन के बैक साइड पर वापस जाना होगा। साहिब, वो जो पिक लाइफ पे जाती है ना साहिब, हमारे साथ भी एक सेशन करने को बोलो ना साहिब। मैडम, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब दरअसल तांबे को कुछ बोलना है। जरा मैडम, आप पहली बार यहाँ आई है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलिए ना। आप वो जो पिक लाइव पे लाइव जाती है ना, वैसा एक सेशन हमारे साथ भी करो ना। एक्चुअली व्हाई नॉट, आप लोग पब्लिक के लिए इतना कुछ करते हो, पब्लिक को भी पता होना चाहिए। श्योर। हीरो प्रॉब्लम में है यार। विचलित ना हो बंधु, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वीर, वीर तू ठीक है? हाँ बच्ची, क्या हुआ बच्ची? वीर क्या हुआ यार, कुछ तो बोल। धोखा हुआ है, बड़ा धोखा हुआ। धोखा? ये दोनों तो बहुत परेशान है, मुझसे इनकी दुर्दशा देखी नहीं जाती, कहीं उस दंश की वजह से तो नहीं परेशान है? दंश? अगर ये सब सच हो गया बंटू, तो अगर वो आदमी सच में खेले ना, तो तू सोच इसका क्या मतलब है? मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। अगर वो एलियन है तो पापा अभी भी मिलेंगे। बंटू प्लीज, कुछ भी करके मुझे झूठा साबित कर दे यार, मेरा दिल नहीं मान रहा बंटू, प्लीज खुद कर। इतने सालों के बाद मुझे जिंदगी में खुशियां लौटी थी, सब कुछ खोकर ऐसा लगा था कि मैं सब कुछ ठीक होने लगा है, पर सब खत्म हो गया बंटू, सब खत्म हो गया। संभाल अपने आप को, संभाल वीर। कैसे संभालू यार बंटू, मुझे तो इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही है ना कि मैं अभी भी होप कर रहा हूँ कि शायद कोई एक्सप्लेनेशन होगा कि वो मेरे पापा है।
वो कोई एलियन नहीं, कोई बहरूपिया नहीं, वो मलंडा ही है। इतना इडियट मैं कैसे हो सकता हूँ बंटू, कैसे इतना इडियट हो सकता हूँ मैं? तू इडियट नहीं है, तू इडियट नहीं है यार। देख वीर, अगर 1% भी डाउट है ना तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। तू पता, सच का पता कैसे चलेगा? जब से पापा आए तब से बस एक पहेली सॉल्व करने के लिए कहते हैं। शायद अगर हम इस पहेली को सॉल्व कर ले तो हमें हमें सच का पता चल जाए। ठीक है, हम करते हैं। ठीक है, पता नहीं बंटू, मुझे लगता मैं इस पहेली को सॉल्व कर सकता हूँ। वीर, तुझे अपने एबिलिटी पर भरोसा करना होगा, ओके? जिसका अपने खुद के बाप पर से भरोसा हो गया हो, वो खुद पर कैसे भरोसा कर सकता है बंटू? मुझसे नहीं हो, मुझसे नहीं होगा। होगा तुझसे, होगा तुझसे। वीर है, वीर क्या कहता था मुझे, जब खराब से खराब सिचुएशन आया तूने क्या कहा है मुझे, जब तक आखिरी ओवर का आखिरी बॉल नहीं डलता है ना, तब तक गेम खत्म नहीं हुआ है। और बच्ची, ये गेम खत्म नहीं हुआ है, हमें सारे जवाब ना ढूंढने होंगे, ढूंढेंगे। हम पहले सवाल ढूंढेंगे, फिर जवाब मिलेगा। Hey, hey, my Zara fam, what's rolling? तो मूवीज में आप कई बार ऑन स्क्रीन हीरोज से मिल चुके हो, आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको ऑफ स्क्रीन हीरोज यानी हमारे रियल लाइफ हीरोज से। मैं सब इंस्पेक्टर तांबे, चक्रधर अंबापति विष्णु प्रभाकर तांबे। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर पाटिल, ये थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर पाटिल। और मैं कामराज। मैं संदीप अग्रवाल। मैं सबीना खान। अरे अरे मैडम 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 मैडम, ये हम हैं, ये हमारा थाना है और यहाँ पे पुलिस की कार्यवाही हो रही है। प्लीज लेट मी बी रॉन्ग, मैं जो सोच रहा हूँ सब गलत हो, प्लीज। किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है बंटू, शायद ही मुझसे होगा भी नहीं। पापा क्या करूं, दिस इज डेड एंड। तुझे आपकी जरूरत है पापा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वीर, क्या कहा था मैंने तुझसे बेटा, कि जब कभी किसी प्रॉब्लम में अटक जाएगा तो मुझे याद कर लेना, हो सकता है कि मैं उस वक्त तेरे साथ ना रहूं पर तेरे दिल में रहूंगा, हर कदम पर तेरा साथ देने के लिए, तुझे हर प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए। तो क्या याद रखेगा, जब कभी प्रॉब्लम का सलूशन ना मिले, लगे कि इसके आगे रास्ता ही नहीं है, किसी सवाल का जवाब ना मिले, तो अपने दिल में झांकना, अपने अंदर झांकना, अपने दिल से पूछना। I promise you बेटा, मैंने तुझे जिस तरह तैयार किया है, तुझे तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तू
मेरा हीरो है। मेरा असली हीरो। हीरो और अब मैं उस एलियन का सच बाहर ला कर रहूंगा।